बच्चों आज देख रहे हैं कक्षा दसवीं में नौ पाठ नौ, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। पाठ के नाम क्या है? जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। पाठ में लेखक ने बताया है कि विश्वनाथ प्रसाद जी तिवारी ने बताया है अमृतलाल नागर के साहित्य सृजन, साहित्य उनकी लेखन प्रक्रिया, उनके समकालीन साहित्यकार, तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां तथा उनकी प्रमुख कुछ कृतियां के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने उनका बेफाम उत्तर दे दिया है। बच्चों अभी पाठ को शुरुआत करते हैं। पाठ में है तिवार जी है नागर जी है। तिवार जी कहते हैं कि नागर जी मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर से और ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? कि लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? लेखक कहते हैं कि नागर जी जो मैंने लेखन की शुरुआत की थी वो उस समय अपना लिखना शुरू किया था, उस समय का साहित्यिक माहौल क्या है, क्या शुरू है आदर्श के सामने? उसने कहा लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को अधिक पढ़ता था। सनेजी अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में दो पत्रिकाएं मंगाते थे। पिता एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय पर हमारे सामने प्रेमचंद्र का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बकिम के उपन्यास पढ़े शरदचंद्र को। बाद में प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 में आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बकिम के उपन्यास 1930 में पढ़ डाले। आनंदमठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। लेखक ने जो लिखना शुरू किया था और लिखते समय उसने नागर जी को पूछा कि नागर जी ने कहा कि लिखने से पहले मैंने उसको पढ़ा तो उसने देखा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी हैं और मेरा अक्षर मेरा पहला मित्र था। कि उस समय हमारे सामने प्रेमचंद्र का एक साहित्य कोशिश था कि आरंभ में मैं बकिम चंद्र के उपन्यास पढ़े थे। उसने बकिम के उपन्यास 1930 में पढ़े थे। आनंदमठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ वो उपन्यास था, लेखक ने वो पढ़ा था। तिवार जी कहते हैं क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी कहते हैं नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1828-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से पहली कविता फूटी कब लो कौ लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। तिवार जी कहते हैं कि इस घटना के बाद आप राजनीति और क्यों नहीं गए? नहीं गया नागर जी कहते हैं नहीं गया क्योंकि पिताजी के सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में, मैं भी सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में अपशकुन यानी अनिष्ट सूचक शकुन था। तुम्हारे गोरखपुर में मन्नत द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों।
चंडी प्रसाद रुद्देश थे, जिनकी लेखन शैली जिनकी लेखन शैली ने मुझे प्रभावित किया था। लेखन शैलियां ने प्रणाली शैलियां ने प्रणाली से प्रभावित किया था। क्या उस दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्ति महत्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा। कवि कहते हैं कि उस दिन पर गांधी जी के व्यक्तित्व यानी व्यक्ति की विशेषता का कुछ प्रभाव पड़ा। नागर जी कहते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से पड़ा है। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका। आंदोलन यानी किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न करना, उसको कहते हैं आंदोलन। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। आपके लेखन में गरीबों को प्रति जो करुणा है, करुणा ने अनुकंपा है, गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किसे प्रभावित करता है। वह तो आपने समाज से बाहर उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्राणिचित उसका प्रणाम है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे कि मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, अद्भुत यानी अनोखा गुण था। वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आज आप पर कुछ प्रभाव पड़ता है। उसी ने पिताजी को डांटा और रोका। काकोरी बमकांड को हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज से हो गए थे। क्या सामाजिक आंदोलन से जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा। आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलन में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्राय होती रहती। उसमें खूब बातें होती थी हर तरह की। आपका पहला उपन्यास कौन सा है? पहला उपन्यास लिखा 1944 महाकाल, जो छपा था बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी ने कहा हाँ। नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभावित रहे हैं? यहाँ बताया है कि तिवारी जी कहते हैं कि गांधी जी के व्यक्तित्व का असर, व्यक्ति की विशेषता के असर आपको कुछ पड़ा है। मेरे पिताजी किसी के आंदोलन में भाग लेने से मुझे रोकता नहीं है। गरीबों के प्रति जो अनुकंपा है किसे प्रभावित करता है कि हमारे पारिवारिक संसार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था कि किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। और ये मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि मुझे सामाजिक आंदोलन में भाग लेने से कभी उसने नहीं रोका। उसकी माँ के पास जो कश्मीरी लोग छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। जब पंडित जेल से छूटे तो मेरी उसने वही भेंट हो गई और उसने अपना पहला उपन्यास पूछा। क्या यही बात में भूख नाम से प्रकाशित हुआ है? नागर जी ने कहा जगन्नाथ दास रत्नाकर गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम आज याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे।
वे आजानुबहा थे। आजानुबहा यानी जिस व्यक्ति के हाथ घुटने तक पहुंचते हैं। आजानुबहा थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालीन वाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 37 तक प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। तिवारी जी कहते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, मतलब आप किसका अनुकरण करते हैं। नागर जी कहते हैं कि तुलसीदास। नागर जी क्या कहते हैं? तुलसीदास को कहते हैं, करते हैं। तो मुझे गुट्टी में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वाकर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। नागर जी आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नेत्रहीन के चमत्कारों हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणी कभी कभी बहुत सच होती है। शूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर जन्मा थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आप माध्यम है, देखने वाला मन है। आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? सार्थकता यानी उपयोगिता, सार्थकता यानी उपयोगिता और परख यानी चार्ज। हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। नागर जी आपने भ्रमण तो काफी किया है। हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का है, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से काश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कलेक्टर बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर चढ़ना चाहूंगा। इस पाठ में बताया है कि माधव शुक्ल हमारे पास आते जाते थे और उसमें आजानुबहा थे। ओ आजानुबहा यानी उसके हाथ घुटने तक पहुंचते थे और वो ढीला कुर्ता पहनते, कुर्ते की जेब में जालीन वाला बाग की खूनी सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। उसने पूछा कि आप ये प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर किसे मिलते हो, तो उसने किसका अनुकरण करते हैं, किससे मिलते हो? तो उसने कहा कि मैं आदर्श व्यक्ति का अनुकरण करती हूँ। नागर जी ने कहा कि आपने जो खंजन नयन ने सूरदास के चरित्रों का बहुत विस्तार पूर्ण वर्णन किया है और उसने कहा कि आप क्या अभी अपने लिखने की सार्थकता की जांच की है? तो उसने बोला कि हाँ, मैंने जांच की है, मेरे पास तो ऐसे बहुत पत्र आते हैं। उसने अपने समय के लेखकों को उसको पूछा और कहा कि आप किन्हें को पसंद करते हैं? तो उसने कहा कि मैं अगर दिल से पूछो तो मैं एक आदमी को पसंद करता, उसको बहुत प्यार करता, वह है रामविलास शर्मा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उसकी कहानियां में। स्टॉल्टस और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं। स्टॉल्टस और चेखव की रचनाएं मुझे बहुत प्रिय हैं। आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुड़ना पड़ता है। आपने अपने उपन्यास के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है।
हाँ बहुत करना पड़ता है। नेचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्ती हमें जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? हाँ, प्राण को मन से अलग अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिसमें जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सत्ता है। सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं दसों दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंटू आई बनाएगी। नागर जी, हम लोगों ने अपना बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी इलाज नहीं किया। स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटल आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। लेखक ने बताया कि पत्रों का संग्रह काफी है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज के लिए इकट्ठे किए हैं। इसके लिए बहुत घूमना पड़ता था। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन पहले करना पड़ा। सुर के एक जगह उसने लिखा कि मैं दसों दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तब मैं इंडियो को आई पाऊंगी। स्वास्थ्य तो मेरा ठीक है, परंतु पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आई थी। मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा कोई नहीं है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक लिखता ही रहूंगा।